आजकल रियलिस्टिक बैकग्राउंड चेंज करना भी बहुत इजी हो चुका है, आप चुटकी में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, यू बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इसी वीडियो में मैं आपको 4 कोड नंबर बताऊंगा, जो फर्स्ट में कमेंट करेगा 3 लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। बस आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है एंड एडोबी फायरफ्लाई सर्च करना है, करने के बाद इस वेबसाइट पर जाना है और अपने अकाउंट बना लेना है। हाँ, मुझे पता है कि ये चीज आपको पता है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है जो आपको नहीं पता, वो क्या है मैं बताऊंगा ना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो एडोबी फायरफ्लाई ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस होगा और आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना। आप ईमेल से भी कर सकते हो, नहीं तो आप फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इधर जो आपको जनरेट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, बस इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऊपर आप देख सकते हो अपलोड इमेज, तो आप किसी भी एक फोटो को अपलोड कर देना, वो ज्यादातर आप हाफ फोटो ट्राई करना जो बहुत ही बढ़िया होता है। कोई टेंशन नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा, आप फुल फोटो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका बस एक फोटो सही है, तो पहले मैं एक इधर से फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं ये फोटो सिलेक्ट कर सका हूँ जो आप देख सकते हो, बस आपको किसी भी एक फोटो को अपलोड कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपने इधर आप देख सकते हो बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है उसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लेगा, ऑटोमेटिक इरेज कर लेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करता हूँ, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। ओके, आप देख सकते हो बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अभी इधर आपको लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। आप सिंपली बैकग्राउंड भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको जिस टाइप की बैकग्राउंड चाहिए वो आप लिख सकते हो, जैसे कि रिवर साइड बैकग्राउंड, सनसेट बैकग्राउंड, सिटी बैकग्राउंड, जो भी आपको ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हो। ओके, मैं तो ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा, बस लिखूंगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है। जनरेट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। ओके, बैकग्राउंड जनरेट हो चुका है। इधर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जो आपको ठीक लगे वो आप इधर से ले सकते हो, ठीक है। इधर आप देख सकते हो 3 बैकग्राउंड है। तो मेरे पास बैकग्राउंड लिखा तो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड आया, आप देख सकते हो। फर्स्ट वाला बैकग्राउंड मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो ये रख सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आप फोटो को जूम करोगे तो ऊपर के साइड देख सकते हो, हेयर के साइड थोड़ा कट गया है, उतना बढ़िया से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। किप पर आपको क्लिक कर देना है, करने के बाद ऊपर आपको एक्सपोर्ट दिख रहा है ना, इधर से बस आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो आपका फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो इधर से हम डाउनलोड कर लेते हैं। फोटो को कुछ इस तरह से अगर आप जनरेट करते हो तो एकदम परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होता है। जो हम हाथ से कर सकते हैं ना वो ये नहीं कर सकता, मतलब मेहनत, समझ रहे हो। अगर आप कुछ इस तरह से फोटो जनरेट करते हो, बस आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर 1, बैकग्राउंड आपको पसंद आया है या नहीं, नहीं आया तो मोर पे क्लिक करो, अगर पसंद आ गया तो डन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो नीचे के पार्ट है, पैर के तरफ जो पार्ट है ना, जिस जगह शेडो पार्ट है, वो पार्ट आपके हिसाब से परफेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि शेडो डालना बहुत मुश्किल है, जो AI एक ही सेकंड में कर देता है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर होने के बाद आपका फोटो आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसी फोटो को रिमूव बैकग्राउंड वेबसाइट पर पोस्ट करके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है एंड उसी फोटो के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है, जिससे क्या होगा आपका फोटो एकदम परफेक्ट हो जाएगा एंड बैकग्राउंड एकदम रियलिस्टिक लगेगा। आपको समझ में नहीं आया ना, तो चलो हम चलते हैं फोन के स्क्रीन पर। ओके, अभी ध्यान से समझना, पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है एंड रिमूव बैकग्राउंड वेबसाइट पर आना है, तो आपका जो फर्स्ट फोटो है वो इधर अपलोड कर लेना है। ओके, यही फोटो था जो आप देख सकते हो, इस फोटो को ऐसे अपलोड कर देना है और इसका जो बैकग्राउंड है एकदम बढ़िया तरीके से इरेज कर लेगा, ठीक है। तो आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं। ओके, आप देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी इस फोटो को बस सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको जाना है पिक्सर आर्ट पर, तो हम पिक्सर आर्ट सर्च कर लेते हैं। तो पिक्सर आर्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पिक्सर आर्ट ओपन करने के बाद, ये पिक्सर आर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर जाना एंड बायो में मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल लिंक है, उधर से आपको ये पिक्सर आर्ट मिल जाएगा। अभी आपको वो फोटो लेना है जो आप फायरफ्लाई से बैकग्राउंड चेंज किया हो, ठीक है। तो ओके, आप देख सकते हो वही फोटो मैं ले चुका हूँ जो मैं फायरफ्लाई से बैकग्राउंड चेंज किया। तो अभी इस फोटो में देख सकते हो कमी क्या है। इस फोटो में आपको एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इधर कुछ पॉइंट है जो ठीक तरीके से नहीं हुआ एंड इधर भी कुछ पॉइंट है जो ठीक तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी जो पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट है, ये सब बहुत बढ़िया से हुआ है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। इतना पार्ट बहुत बढ़िया से हुआ है, बस आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है। अगर इतना पॉइंट आपके हिसाब से ठीक है, इतना पॉइंट ठीक है, तो डन कर देना है। एंड बाकी जितना भी पॉइंट है ना, ये सब जो पॉइंट है, ये सब हम अभी ठीक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, बस आपको इधर आपको रिमूव टूल मिल जाएगा, इधर आप देख सकते हो रिमूव टूल है ना, तो बस रिमूव टूल पर क्लिक करना है। करने के बाद सिंपली आपको ब्रश कर देना है, जो पार्ट ठीक तरीके से नहीं हुआ वो सब कुछ इस तरह से ब्रश कर देना है, ठीक है। इस तरह से ब्रश कर देना है, तो आप देख सकते हो ऐसे आपको बढ़िया से ब्रश कर देना है एंड बाकी जो पार्ट है वो तो हमारे हिसाब से ठीक ही है ना, तो इतना बस पार्ट आपको ऐसे ब्रश कर देना है। करने के बाद रिमूव पर क्लिक कर देना है। और ये पिक्सर आर्ट अगर आपके पास नहीं है तो और एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, जो मेरे इंस्टाग्राम पर जाना है, जाने के बाद बायो में ब्रॉडकास्ट चैनल जो लिंक दिख रहा है, इधर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो इतना इरेज हो चुका है, तो इसको मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद जो अभी हमने बैकग्राउंड रिमूव किया ना, रिमूव बैकग्राउंड से, ठीक है, तो वो फोटो ले लूंगा। ओके, देख सकते हो वो फोटो मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ और ये फोटो को बस बराबर कुछ इस तरह से आपको जूम कर देना है, बस बराबर ऐसे आपको सेट कर देना है। तो अभी हमारा फोटो देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, अभी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिससे पता चलेगा कि ये फोटो बैकग्राउंड चेंज किया है। तो एकदम रियलिस्टिक ऐसे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
तो कुछ इस तरह से AI से फोटो को जनरेट करके और थोड़ा ट्रिक लगाकर अपनी फोटो को एकदम रियलिस्टिक बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो जल्दी से लाइक कर दो और इस चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।